मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर, मुमरा कौसा, मुंबई, भिंडी बाजार, डोंगरी, नल बाजार, कल्याण, ऐसे तमाम जितने मुस्लिम इलाके हैं, इन तमाम मुस्लिम इलाकों के लोगों से एक मुसलमान होने के नाते अपील कर रहा हूं। अपील करने की वजह यह है, कोरोना वायरस ये महामारी दिन ब दिन फैलती जा रही है। मकसद है बाजारों में, गलियों में, सड़कों पर भीड़ न हो। भीड़ जितनी कम होगी, आप जितना अपने घरों में बैठे रहोगे, उतना इस बीमारी से हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। मगर आज सोशल मीडिया उठा करके देख ले, सरकारी सूत्रों को अगर आप टटोले खंगाले, तो सब जगह आपको एक ही बात पता चलेगी कि मुस्लिम इलाकों के लोग जो है अपने घरों में रहना पसंद नहीं कर रहे हैं। सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं, तमाम मस्जिदों के ट्रस्टियों ने, इमामों ने, मुअज्जिनों ने उस आदेश को मान लिया है। मस्जिदों से ऐलान कर दिया गया है कि अजान सुनो मगर नमाज घर में पढ़ो। उसके बावजूद लोग नमाज का बहाना करके घरों से बाहर निकल रहे हैं। जो लगातार अपनी जिंदगी में नमाज पढ़ रहे हैं, उनको मस्जिद की आदत लग चुकी है, उनकी बात समझी जा सकती है। मगर अब इस लॉकडाउन और कर्फ्यू के कारण अपने शहर, अपने मोहल्ले, अपने घर में रहने के लिए मजबूर होने वाले लोग बाहर निकलने के लिए नमाज का बहाना तलाश रहे हैं। कहीं कोई मेडिकल पर जाने का बहाना तलाश कर रहा है, कहीं कोई अस्पताल जाने का, डॉक्टर के पास जाने का। अचानक जो है बीमार सभी के सब पड़ गए हैं, सभी को दवा की जरूरत पड़ रही है, सभी को डॉक्टर की जरूरत पड़ रही है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हो रही है, मुस्लिम मोहल्लों का हाल बदहाल है, मुस्लिम सुन नहीं रहे। पहले से ये कौम इस मुल्क में बदनाम की जा चुकी है, कुछ तो इसके मूर्खतापूर्ण रवैये के कारण, मूर्खतापूर्ण फैसलों के कारण, अब वही मूर्खता, वही जहालत, वही बेवकूफी फिर से लोग कर रहे हैं। अगर आप इस बात से संजीदा नहीं है, तो मैं आपको बताता चलूं कि समझिए, आपकी भीड़ की वजह से, आपकी नासमझी और आपकी इस लापरवाही की वजह से यह बीमारी अगर और ज्यादा फैल गई, क्योंकि थर्ड स्टेज में अब भारत लगभग पहुंच चुका है और पहुंचता चला जा रहा है, उसी वजह से यह लॉकडाउन किया है सरकार ने। सरकार कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, कैसे चला रहा है, फिलहाल वो मत देखिए, अपनी सुरक्षा देखिए। इस बीमारी से आप बचेंगे तो खुद को मुसलमान कह पाएंगे, इस बीमारी से आप अपने आप को, अपने मोहल्ले को, सबको महफूज रख पाएंगे, तो ही एक कौम कहलाओगे। अगर खुद को आप काबू नहीं कर पाए, खुद को अपने घरों में रख नहीं पाए, और इसी तरह से मार्केट में, दुकानों में, गलियों में, सड़कों पर हुड़दंगबाजी करते हुए, घूमने फिरने के बहाने बाहर निकलते रहे, खरीदारी के बहाने बाहर निकलते रहे, और उसमें आपने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अप्लाई की, उसको अगर नहीं माना, तो कल आपको बहुत बड़ा जो है आरोप का सामना करना पड़ेगा कि भारत में थर्ड स्टेज में महामारी फैलने के बाद उसको और आगे ले जाने का जिम्मेदार कोई अगर है, तो वो सिर्फ मुसलमान है। आपको अगर ये जिम्मेदारी, ये लांछन, ये आरोप अपने ऊपर लेना है, तो बिलाशक आप मार्केट में जाइए, गैर जरूरी काम से जाइए, आपको जरूरत नहीं है तो भी फिर भी आप सड़कों पर निकलिए, अपने गलियों में घूमिए। मगर आने वाली पीढ़ियां आपको क्या कहेगी, जो हाल फिर आज इस मुल्क में सांप्रदायिकता के चलते किया जा रहा है, कम्युनलिज्म के तहत किया जा रहा है, उसमें एक इजाफा हो जाएगा इस महामारी को फैलाने का आरोप आपके सर पर मढ़ करके। इस गंभीरता को आप समझिए। मुझे मेरे कई पत्रकार साथियों के, कई पत्रकार भाइयों के फोन आए, जिसमें मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, कई और धर्म के पत्रकार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, सब मुझे कह रहे हैं कि रफीक भाई, आप जैसे लोगों ने इनिशिएटिव लेना चाहिए और अपने समाज के लोगों को समझाना चाहिए। मेरे टीम ने मुझे 3 दिन पहले कहा, सर वीडियो बनाइए, लोगों से अपील करिए और डालिए। खबर के जरिए मैंने अपील की, लेकिन देखा लोग संजीदगी से नहीं ले रहे हैं, बातों को हवा में उड़ा रहे हैं। तब जाकर के मैंने आज ये अपील वाला वीडियो बनाया है, और आपसे मैं
रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर, हाथ जोड़ करके गुजारिश करता हूं, मैं आपके पांव तक पड़ता हूं कि मत निकलिए अपने घरों से और अपनी कौम पर, उसके माथे पर ये बदनुमा दाग जो है आने वाली नस्लों तक का जो कायम रहने वाला है उसको लेने वाला, गलत काम मत कीजिए, मत आइए सड़कों पर, मत आइए अपने मकानों से बाहर, अपने गली मोहल्लों में, गैर जरूरी आप जो है न मेडिकल पर जाइए, न दूध की दुकान पर जाइए, न सब्जी की दुकान पर जाइए। बहुत जरूरी है अपनी घर की महिलाओं को समझाइए, अपनी खवातीन को समझाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को अप्लाई करते हुए हर चीज को, खरीदारी का जो है अमली जामा पहना है उस पर अमल करते हुए सारे कामों को करें। अपनी कौम को अगर बदनुमा दाग से और बदनुमा इल्जाम से बचाना है तो आप मेरी अपील को सुन करके उस पर अमल करेंगे, और अगर आपको हमेशा की तरह गद्दार का लकब पाते रहना है तो आप मेरी अपील पर गौर नहीं करेंगे और बदस्तूर अपनी फुहड़गिरी, अपनी हुल्लड़बाजी, अपनी नाहेली और अपनी बेवकूफी करते रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इन बातों को संजीदगी से लेंगे, सीरियसली लेंगे और इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे।